आप सभी मिट्टी का बर्तन देख करके सोच रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज बिल्कुल स्पेशल डिश है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। आज हमारे साथ है रश्मि। ये है रश्मि। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गहनेशा, बिहार का ट्रेडिशनल डिश जिसे हम दूध पुआ भी बोलते हैं, जो बहुत लाइट होता है और मिट्टी के बर्तन में और मिट्टी के बर्तन में बनता है। ये हमारे दादी नानी के समय से बनता आ रहा है, जो हम लोग अब बिल्कुल भूल गए हैं। कुछ मेहनत की वजह से कुछ टाइम नहीं है। ये है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, लेकिन बस हम वो एक होता है ना कि झंझट करना नहीं चाहते हैं, जबकि कुछ है नहीं इसको बनाने में। बहुत सिंपल होता है। और ये हमारे झारखंड में इसको ढक्कन पुआ बोलते हैं, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल बिना घी तेल का। आइए बनाते हैं, जिसको हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। रश्मि बता रही है, 1.5 किलो दूध, 1 कप हम चावल लेंगे एंड 1 कप चीनी लेंगे। आप मीठा आप दूध के अनुसार या अपने अनुसार ले सकते हैं। इलायची पाउडर लेंगे और अब थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में लगाने के लिए घी, अगर ज़रूरत हो तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं ये उसना चावल है, जिसे इडली वगैरह भी बनाते हैं, वही चावल है। इसको आप खूब अच्छी तरह से धो लें और 6-7 घंटे तक इसको अच्छे से भिंगो कर आप मिक्सी में पीस लें। आप देख सकते हैं इसको मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, ना ही बहुत पतला रखेंगे। आप इसको देख सकते हैं कितना पतला कितना गाढ़ा है। दूध को गैस पे चढ़ाते हैं, बॉयल होते रहेगा। ये दूध को चढ़ा दी है बॉईल होने के लिए, और एक मिट्टी के बर्तन को हम दूसरे गैस पे चढ़ा दिए, गरम करेंगे इसे। मिट्टी के बर्तन को जब तक ये सारा सूख ना जाए, तब तक हम इसमें चावल का घोल नहीं डालेंगे। इस मिट्टी के बर्तन को यूज करने से पहले आप कम से कम 12 घंटे तो इसको पानी में भिगो कर रखें एकदम, ये फिर ऑयल नहीं सोखेगा और मजबूती भी आ जाएगा अंदर से। अब तो ऑनलाइन आपको बहुत सुंदर सुंदर सा मिट्टी का बर्तन आने लगा है, जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं आप। फ्राई पैन, तवा, कढ़ाई, कुकर, सारा चीज़ आ गया है अब। ये पूरा बर्तन गर्म हो गया है, इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच हल्का सा घी डाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, इसमें अभी पहला पुआ बना रहे हैं। चलिए इसमें हम अब डालते हैं, बैटर को डाल रही है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच डाली है, और इसको हम ढक देंगे, बिना ढके नहीं इसको बनाएंगे। आप इस तरह से ढक कर 2 मिनट रखें, वो खुद ही थोड़ा जाली जाली टाइप से हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो पक गया है। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। ये अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में चावल वाइट वाइट दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। और बिना ढके इसे हम नहीं बनाएंगे, ढक्कन भी मेरा जालीदार होना चाहिए। आपके पास ऐसा ढक्कन नहीं हो तो आप इससे भी ढक सकते हैं, इसमें भी जाली है। आप देख सकते हैं अब पक गया है, मेरा हो चुका है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें। अच्छे से पक गया, इसको उलटने की जरूरत नहीं है, एक साइड से ही पक गया, ये जाली हो गया, इसका मतलब ये पक गया है। चीनी डाल देंगे और हल्की सी इलायची पाउडर। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो चला है, अब गैस हम ऑफ कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मिट्टी के बर्तन में रहते हुए ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही वो पानी उसका सूख जाता है। और इसको हम ढक देते हैं, ठंडा होते रहेगा। सकते हैं कितना अच्छे से जाली बना हुआ है, जाली बना है इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब ये हम, मेरा दूध ठंडा भी हो गया है, हम 1 बाय 1 इसको बनाते मतलब दूध को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है बस। और अब हम बनाते भी जाएंगे और डालते जाएंगे।
ये इसमें डाल चुकी है, अब बनाते जा रही है और इसमें डालते जा रही है। दूध आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और इसमें जो खुशबू आ रही है मिट्टी की, सोनापन का खुशबू है, हाँ इसमें बहुत सोना सोना सा खुशबू है। ये लगभग फूल गया है, मतलब आपको कम से कम 10-15 मिनट तो बिल्कुल फूलने देना चाहिए, उसमें अच्छे से वो दूध को सोख लेगा और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको इसमें डिप किए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बड़ा भी हो गया है फूल करके। हमारा ढकनेसर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये फूल कर बड़ा बड़ा हो गया है और दूध भी बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी है, इसमें जो मिट्टी का खुशबू आ रहा है वो तो कमाल है। बहुत ही लाइट है, बहुत ही अच्छा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।